वाहेगुरु जी का खालसा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीर बजरंग बली की ये पराक्रम की धरती है, ये परिश्रम की धरती है, ये पवित्र धरती है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। इस मन से मैं गुरुद्वारा दमदमा साहिब, तख्त आनंदपुर साहब और गुरुद्वारा तीरथ साहब को हृदय से प्रणाम करता हूं। मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान जम्बेश्वर की प्रेरणा से हमारा बिश्नोई समाज आज भी पूरी दुनिया में जीव प्रेम और पर्यावरण का सबसे जागरूक सिपाही माना जाता है। साथियों, इस चुनाव में, ये पंजाब में इस बार का जो चुनाव है, ये एक प्रकार से मेरी आखिरी सभा है और कल शाम को चुनाव प्रचार भी समाप्त हो रहा है। मैं बीते कुछ दिनों से पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में गया हूं। पूरे पंजाब में आज एक सुर से एक ही आवाज उठ रही है, भाजपा को जिताना है, एनडीए को जिताना है, पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनाना है। डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या? पंजाब का इस दशक में सबसे तेज विकास। डबल इंजन की सरकार का मतलब पंजाब से रेत माफिया, ड्रग माफिया, इनकी विदाई। डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब की औद्योगिक इकाइयों में नई ऊर्जा भरना। डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके देना। साथियों, पंजाब को आज एक ऐसी सरकार चाहिए जिसकी प्रेरणा राष्ट्रभक्ति हो, जिसकी प्रेरणा पंजाब का विकास हो। बीजेपी पूरे समर्पित भाव से पंजाब के लोगों के सामने पंजाब की सुरक्षा का संकल्प लेकर, पंजाब के विकास का संकल्प लेकर के आई है। एक बार भाजपा को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, एक बार पांच साल मुझे दीजिए। अब फिर देखिएगा डबल इंजन की सरकार कैसे पंजाब को तेज गति से आगे बढ़ाती है। आप देखिए, देश के इतने सारे राज्य हैं, जब कांग्रेस एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं। और जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया, वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। साथियों, पंजाब के एक क्षेत्र ने देश को यह दिखाया था कि खेती भी खुशहाली का जरिया बन सकती है, लेकिन आज स्थितियां बदल रही है। यहां की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट रही है,
मिट्टी में केमिकल्स बढ़ गए हैं। भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने किसानों को हमेशा धोखा दिया है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग सालों से देश में थी। ये पाइप पर बैठ गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकारें झूठ पर झूठी बोलती रही। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हमने उन सिफारिशों को लागू करने का काम करके दिखाया। भाइयों बहनों, ये हमारा किसानों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी का लगाव है। हमने, आप देखिए पुराने रिकॉर्ड, और मैं चुनौती देता हूं किसी भी दल को, हमारे समय में अनाज की रिकॉर्ड खरीदी की और किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा है। हमने उसके खाते में सीधा पैसा आता है। भाई और बहनों, पंजाब के किसानों को आज नई सोच और नए विजन वाली सरकार चाहिए। आज किसान को बेहतर फसल, कम लागत और बेहतर कीमत की जरूरत है। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक नई व्यवस्था बना रही है। ये भाजपा की सरकार है जिसने जल जीवन मिशन शुरू किया है। आज हम पंजाब के घर घर में साफ पानी का कनेक्शन देने के लिए, नल से जल पहुंचाने के लिए हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। साथियों, पंजाब में आज हर व्यापार माफियाओं के कब्जे में है। व्यापारियों को माफियाओं की कृपा पर जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी तकलीफ हमारे छोटे व्यापारियों को हो रही है। राज्य में असुरक्षा बढ़ती है, गलत नीतियां होती हैं, तो हमारा व्यापारी इसका नुकसान उठाता है। आज आप देखिए, इतनी संभावनाओं से भरा पूरा पंजाब, लेकिन इंडस्ट्री यहां से छोड़कर के भाग रही है। हमारे नौजवानों का भविष्य में एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण यहां जल्दी कोई आने को तैयार भी नहीं है। वो सात बार सोचता है, क्या जाऊंगा और माफियाओं की चरण में जाना पड़ेगा तो क्या होगा। इन स्थितियों को भी डबल इंजन की सरकार ही बदल सकती है। आप मुझे बताइए, और कोई इसको बदल सकता है क्या? और कोई बदल सकता है क्या? एक भी, सारे चेहरे याद कर लो, किसी में दम है क्या? भाइयों बहनों, ये अगर करेगा तो मोदी ही करेगा। हमने अपने घोषणा पत्र में अनेक संकल्प लिए हैं। पंजाब में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पारदर्शी सरकार होगी तो न उद्योगों को पलायन करना पड़ेगा, न नौजवानों को अपना गांव, अपने दोस्त, अपने बूढ़े मां बाप, अपने खेत खलिहान, ये सब छोड़ करके मेरे नौजवानों को पंजाब से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, गरीब की तकलीफ दूर हो, उसका जीवन आसान बने,
ये हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। कोरोना काल में भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है और मुफ्त वैक्सीन भी दे रही है। आपको सबको वैक्सीन लगी है? सबको वैक्सीन लगी है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, ये आपकी जिंदगी को बचाने में एक रक्षा कवच के रूप में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके जीवन को बचाने के लिए भारत सरकार पूरी रात दिन काम कर रही है कि नहीं कर रही है? भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत की वजह से, इस योजना की वजह से पंजाब के 11 लाख गरीबों ने अच्छे अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज कराया है। ये हमारी योजना ऐसी है कि अगर आयुष्मान भारत का आपके पास कार्ड है, इस देश के 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, 50 करोड़ दुनिया के देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों को। और इसकी विशेषता ये है कि आप अगर मुंबई गए हैं बीमार हो गए, अहमदाबाद गए हैं बीमार हो गए, लखनऊ गए बीमार हो गए, तो वहां की अस्पताल में इसी कार्ड से मुफ्त में तत्काल आपको डॉक्टरों से सेवा मिलेगी। आपकी ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो वो भी कर दिया जाएगा। यानी पंजाब का नागरिक हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएगा तो उसको ये सुविधा है। लेकिन मैं एक और दुख की बात बताता हूं, आपके पास कार्ड है, आप अहमदाबाद जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, भोपाल जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, लखनऊ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन दिल्ली जाएंगे जहां मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार की अस्पतालें हैं, वहां पर आपको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस योजना के साथ वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए भैया, आपको भारत सरकार 5 लाख रुपए तक बीमारी के लिए खर्च दे रही है, तो पंजाब के लोगों को अगर दिल्ली में कहीं मदद जरूर पड़ जाए तो तुम्हारे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जो लोग दिल्ली में आपको घुसने नहीं देना चाहते, वो आपसे वोट मांग रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को पंजाब में कुछ भी करने का हक है क्या? है क्या? भाइयों बहनों, हमने जो आयुष्मान भारत योजना की बात बनाई है, इससे पंजाब के गरीबों के करीब करीब 2000 करोड़ रुपए बचे हैं। 2000 करोड़ रुपए, अब कल्पना कीजिए, गरीब के लिए 2000 करोड़ रुपए उसकी बीमारी में काम करने का काम दिल्ली में मोदी बैठ करके कर रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारे दिल में आपके प्रति चिंता है। पंजाब में 300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चल रहे हैं और वहां पर जो बाजार में महंगी दवाई मिलती है, वैसी ही दवाई में कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन हमने जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, जो बाजार में दवाई 100 रुपये में मिलती है, वही दवाई यहां 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाती है। भाइयों, ये काम हमने किया।
हम कैसे मदद कर रहे हैं देखिए आप। अगर किसी के परिवार में बुजुर्ग मां बाप है, डायबिटीज हो गया, रोज उनको गोलियां लेनी पड़ रही है, इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, अगर ये दवाइयां घर में ला दी, महीने का 2-2.5 हजार का खर्चा तो होता ही होता है, मध्यम वर्ग के परिवार पर 2-2.5 हजार का दवाई का बोझ लग जाता है, लेकिन अगर जन औषधि से ले आएंगे दवाई तो सिर्फ 100-150 रुपए में आपका काम चल जाएगा। हर गरीब परिवार का, मध्यम वर्ग के परिवार का 1000-1500 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन हम इसके लिए अरबों खरबों की जाहिरात नहीं करते भाई, हम तो गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, मध्यम वर्ग के लिए जीते हैं, मध्यम वर्ग के लिए काम करते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उन्हें ऐसे स्टोर में गए बहुत सस्ते में दवाई मिल जाएगी। इन केंद्रों से भी हर साल पंजाब के लोगों को करीब करीब 300 करोड़ रुपयों का फायदा हो रहा है। यहां के नागरिकों को दवाई के खर्चे में 300 करोड़ की बचत। भाइयों बहनों, ये मदद है कि नहीं है? ये मदद है कि नहीं है? ये आपका भला करने के लिए है कि नहीं है? क्या कभी हमने किसी अखबार में इश्तहार दिया है क्या, एडवर्टाइजमेंट दिया है क्या? इसी तरह हमारी सरकार ने जो स्टेंट के पैसे कम कराए हैं, हृदय की बीमारी हो, हार्ट का स्टेंट लगाना है, आजकल नी की बीमारी हो जाती है, 50-60 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है, नी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इसमें भी हमने उसके दाम बहुत कम करवा दिए, कानून का उपयोग किया, और इसके कारण जिन जिन लोगों ने हृदय में अगर स्टेंट लगवाया है, हार्ट में ऑपरेशन करवाया है या नी ऑपरेशन करवाया है, उसके भी करोड़ों रुपयों की बचत हुई है। भाइयों बहनों, हेल्थ सेक्टर में काम कैसे होता है इसके ये उदाहरण मैं बताता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के बैंक खातों में 3700 करोड़ रुपया, 3700 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसान के बैंक के खातों में जमा हुआ है अकेले पंजाब में। बीच में कोई कंपनी, कट की कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई माफिया नहीं, सीधा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, किसान मुझे आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? इसका लाभ पंजाब में करीब 23 लाख किसानों को मिला है, 23 लाख किसानों को। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत पंजाब में 75,000 से अधिक घर बनाए जा रहे हैं, और एक एक घर बनाने के लिए 1-1.25 लाख रुपया उनके खाते में भारत सरकार जमा करवाती है, ताकि वो पक्के घर में जिंदगी गुजारना शुरू करे। भाई, गरीबों को पक्के घर के लिए अकेले पंजाब को 2000 करोड़ रुपए से के भी अधिक की राशि दी गई है। इधर आंकड़े जोड़ दीजिए, मैं तो कुछ ही बता रहा हूं, ये सारा दिल्ली से पैसा पंजाब की धरती पर उतारने का हमने काम किया है। साथियों, उजाला स्कीम के तहत हमने बिजली बिल कम हो, हमेशा हमेशा के लिए बिजली का खर्चा कम हो, आपकी जेब से ज्यादा पैसे न जाएं, एक स्थायी व्यवस्था बनाई और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाला। इसके तहत एलईडी बल्ब हमने पंजाब में वितरित किए, इस वजह से गरीबों के बिजली के बिल में 900 करोड़ रुपए से भी अधिक बिजली का बिल बचा है। अगर मध्यम वर्ग के घर में 4 लट्टू वाले हैं तो उसका 1500-2000 रुपया बच जाता है बिजली का। भाइयों, ये लोग आज जो वादे कर रहे हैं,
वो एक प्रकार से आपके घर में रोशनी लाने का वादा नहीं है, आपके जेब के पैसे बचाने का वादा नहीं है। ये ऐसा रास्ता है जो पूरे पंजाब को कुछ ही वर्षों में अंधकार में डुबो देगा। बिजली के कारखाने चलाने की ताकत नहीं होगी, पूरा पंजाब अंधेरे में फंस जाएगा। ये रास्ता इन्होंने चुना है। आप मुझे बताइए, क्या पंजाब में अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है? अंधेरा आने देना है? तो इन लोगों को दिल्ली में ही रोक लो भैया, आने मत दो यहां। हम इस बात की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली का बिल कम हो, बल्कि बिजली कारखाने भी अच्छे ढंग से चले और जरूरत के हिसाब से नए कारखाने भी लगे। साथियों, 84 के दंगों के समय जब कांग्रेस के नेता, नौसंहार चल रहा था और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे, हुक्म कहां से आ रहे थे, ये आपसे ज्यादा और कौन जानता है भाइयों। तो ये बीजेपी के नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिख भाई परिवारों को बचाने के लिए, मैं उस समय गुजरात में था, एक भी परिवार को तकलीफ नहीं होने दी, एक भी परिवार को, शान से जीते हैं भाइयों। हर सुख दुख में हम पंजाब के लोगों के साथ डटकर खड़े रहे हैं। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बाजू बगल में खड़े रहकर के तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे? और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का पान करोगे? आप गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान सहन करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया, उस मिट्टी का अपमान करोगे क्या? जिस मिट्टी में गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर के हमारी रक्षा की, उस मिट्टी के संतानों को उत्तर पंजाब में घुसने नहीं देंगे, ये भाषा का प्रयोग करोगे क्या? संत रविदास जी जिन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया,
काशी में पैदा हुए, आज पंजाब के हर घर में संत रविदास जी के प्रति श्रद्धा है, क्या आप उनको भी निकाल दोगे? हम यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इस तरह की विभाजनकारी सोच को एक पल के लिए पंजाब में राज करने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमारा पंजाब सीमावर्ती राज्य है, इस पर सीमा पार से हमेशा नापाक नजरें बनी रहती है, गड़ी रहती है। इसलिए यहां जो सरकार बनेगी वो राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इसके लिए प्रतिबद्ध सरकार होनी चाहिए। झुलमुल रवैये वाले लोग नहीं होने चाहिए। जो लोग भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, देश की अखंडता, पंजाब की सुरक्षा, ऐसे लोगों के हाथ में हम सुपुर्द नहीं कर सकते हैं। पंजाब वैसे भी आज अनेक चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है। इन चुनौतियों में अब एक समस्या अस्थिरता वाली हमने किसी भी हालत में जोड़ दी नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस पंजाब को फिर से अस्थिरता की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। साथियों, कांग्रेस की जो पार्टनर इन क्राइम एक नई पार्टियां आई है, वो भी एक के बाद एक, रोज नए झूठ, रोज नई मनगढ़ंत बातें पंजाब में आकर बोल रहे हैं। वो लोग जिनकी दिल्ली में सरकार है, आप अगर इनकी सरकार को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग सिखों को, पंजाबियों को डगर डगर पर कितना अपमानित करते हैं। दिल्ली जाओगे तो पता चलेगा। आज पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को न मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर स्कूल कॉलेज के बगल में शराब के ठेके खोल करके बैठ गए। भाइयों, ये कैसे झूठ बोलने में महारती है और हर पर आराम से झूठ बोलना, आराम से पलट जाना कोई परवाह ही नहीं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते हैं, दिल्ली की हवा खराब हो गई, आपने देखा होगा, ये सब अवेलेबल है, जो मैं कह नहीं रहा हूं। अब दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर के किसानों को गले लगाने की बात करो, किसी के गले उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? ये फरेब चलेगा क्या? जब कोरोना की वेव आई तो इन लोगों ने यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोगों को झूठ बोल करके भगा दिया कि बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है, महीनों तक खाना नहीं मिलेगा, भागो। जो लोग दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगा देते हैं, वो आज आपके पास आए हैं, आप क्या करोगे? इनको मेहमान गति स्वीकार करोगे क्या? भाइयों बहनों, बात इतनी नहीं है। साथियों, इनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपने सुना होगा, कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी जो पिछले बार जो यहां के पंजाब के चुनाव के उनकी तरफ से इंचार्ज थे और
उनके खासम खास दोस्त थे। अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे और कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती है। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान, कल उसने कह दिया जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा, और कल जब उसने कहा है उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कल उन्होंने, उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। पंजाब के मेरे भाइयों और बहनों, ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। इनका एजेंडा और देश के दुश्मनों का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा अलग है ही नहीं। इसलिए ही ये सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं, इसलिए ही ये पंजाब में ड्रग्स के नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ही ये बॉर्डर पर बीएसएफ के बढ़ते अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यही इन लोगों का मंसूबा है, यही इनकी सोच है। लेकिन साथियों, अराजकता और अलगाव के नशे में डूबे इन लोगों को पता नहीं है ये मेरा पंजाब है क्या। ये मेरे पंजाब ने कितने घाव झेले हैं, लेकिन इस देश के लिए मरने मिटने में कोई आगे रहा है तो मेरा पंजाब रहा है। पंजाब उन गुरुओं, उन शहीदों की भूमि है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। ये पंजाब और ये भारत किसी की साजिशों से टूटने वाला नहीं है। हर भारतीय ऐसी ताकतों के सामने पूरी ताकत से खड़ा है। भाइयों और बहनों, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये पंजाब के वर्तमान के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अब बीच में दो तीन दिन ही बचे हैं, 20 तारीख को पंजाब के लोगों को इनके अपराधों का हिसाब करना है। करोगे? चुन चुन के हिसाब करोगे? पल पल का हिसाब करोगे? 20 तारीख को पंजाब के लोगों को भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, नवा पंजाब के लिए पुरजोश भारी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करना है। वोट करोगे ना? करोगे ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि सभा के बाद, अरे भाई सभा बड़ी जबरदस्त हो गई, रैली बड़ी जबरदस्त हो गई, चलो आज सो जाते हैं, ऐसा नहीं करोगे ना? ऐसा नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, एक एक मतदाता को मिलोगे, देश की बात बताओगे, पंजाब के उज्जवल भविष्य की बात बताओगे, यहां के नौजवानों के कल्याण की बात बताओगे, यहां की माताओं बहनों की भलाई की बात बताओगे, लोगों को मतदान के लिए तैयार करोगे, कमल पे वोट डलवाओगे, एनडीए के साथियों को वोट डलवाओगे,
भाइयों बहनों, मैं विशेषकर से मैं उन नौजवानों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो जीवन में पहली बार वोट देने के लिए जाने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर आपके जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब आप वोट डालने जा रहे हैं मतलब आप अब पंजाब का भविष्य तय करने के एक निर्णय के भागीदार बन रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर आपको मिला है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं, आप गर्व के साथ वोट करने जाइए और याद रखिए आज का दिन जीवन में कि आपने पहले वोट से ही पंजाब की सकल सूरज बदलने का काम किया था और आपने पंजाब को बनाने में भागीदारी दी। आज मैं हमारे अबोहर के लोगों से भी एक विशेष आग्रह करूंगा। मैं जब यहां मंच पे बैठा था तो जब मैं यहां काम करता था सारे पुराने परिवार सबको मैं देख रहा हूं, दूर से हाथ उठा करके नमस्ते कर रहा हूं। आप सबके बीच में लंबे अरसे तक काम करने का मुझे मौका मिला है, लेकिन आपसे अबोहर के मेरे साथियों को मैं एक विशेष जिम्मेवारी देना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि हमारे उम्मीदवार को कोरोना के कारण अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो अभी दो तीन आप ही को हर यहां का नागरिक ही उम्मीदवार है। अब हमारे उम्मीदवार कोरोना के कारण ना आ पाए, हर व्यक्ति हमारा उम्मीदवार है, हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है। हमें मिलकर के अबोहर में दो चार दिन उनको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, उस काम को हम निभाएंगे। निभाएंगे क्या? एक एक कार्यकर्ता इस बात को निभाएगा, देख के हम मिलकर चलेंगे। एनडीए के हमारे साथी श्रीमान ढींडसा साहब, कैप्टन साहब, हम सब मिलकर के पंजाब के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रहेगी। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो हमारे उम्मीदवार है इस चुनाव में, उनसे मेरी यह प्रार्थना आगे आ जाए ताकि मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाऊं, हरदीप जी भी आ जाए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, बोलो।